राष्ट्रवादीचं नाव आणि चिन्ह अजित पवार गटाला देण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला. आयोगाच्या या निर्णयानंतर राज्याच्या राजकारणात प्रतिक्रिया उमटत असून अजित पवार विरुद्ध शरद पवार गट आमने सामने आले आहे. आज नागपुरात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निषेध करण्यात आला. हा निर्णय केंद्राच्या दबावाखाली घेण्यात आल्याचं राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून बोलल्या जात आहे. जिस प्रकार से अभी पूरे देश को मालूम है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी थी, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, लेकिन कल का जो निर्णय आया है उस निर्णय को भलीभांति सब पूरे देश जानता है कि ये निर्णय किसी ना किसी प्रकार से केंद्र के दबाव के नीचे लिया हुआ है. और ये इसीलिए लिया हुआ है कि यहाँ पे केंद्र शासन जो है वो घबराया हुआ है. इंडिया आघाड़ी देश में बनी हुई है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बनने के वजह से उनको मालूम है कि आने वाली ये सत्ता के भूखे जो लोग हैं ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं. और जिस प्रकार से भी ये जो निर्णय दिया है ये कटिबद्ध, ये पहले से नियोजित था और ये नियोजनबद्ध तरीके से पार्टी की पार्टी है. एक महाराष्ट्रीयन लोगों की पार्टी, मराठी आदमी की पार्टी, उद्धव ठाकरे साहब की हो या शरद पवार साहब की पार्टी हो, ये पार्टियां खत्म करने का काम ये कर रहे हैं. इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, शहर के पदाधिकारी, इस निवडणूक आयोग के जो निर्णय के खिलाफ हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं कि आने वाले समय में जब तक के हम हमारी सत्ता यहाँ पे लाते नहीं तब तक के हम संघर्ष करते रहेंगे.